नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बबीता गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के सिलेबस में पाठ पढ़ेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, यह एक गीत है। इस गीत को आज़ादी के बाद लिखा गया था और इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। बच्चों, इनका जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 में दिल का दौरा पड़ने से हुई। बच्चों, ये तो थे एक संपन्न परिवार से, लेकिन माता पिता के अलग होने के बाद ये इनको माँ के साथ रहना पड़ा, तो बहुत गरीबी का जीवन यापन कर रहे थे। कॉलेज के समय में ही इन्हें अमृतम प्रीतम से प्रेम हो गया, लेकिन किसी कारणवश उनके पिता को ये रिश्ता नहीं पसंद था, जिसकी वजह से उन्होंने इन्हें कॉलेज से भी निकलवा दिया। अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए इन्होंने कई जगह छोटी मोटी नौकरियां की। फिर ये धीरे धीरे अपने साहित्य के क्षेत्र में लगे रहे। कई इन्होंने शायरी और फिल्मों के लिए इन्होंने कई गीत भी लिखे हैं। ये गीत है नया दौर। आज़ादी के बाद जो फिल्म बनी थी नया दौर, उस फिल्म का ये गीत है और ये हमारी छठी के जो है पाठ्यक्रम में जो है ये गीत है। तो देखते हैं ये गीत। इस गीत के माध्यम से कवि जो हैं वो बताना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति जब काम करते करते थक जाता है तो काम भी संपन्न नहीं हो पाता है ठीक प्रकार से, तो कभी संबोधित करना चाहते हैं आम लोगों को कि आप लोग सब मिलकर कार्य करें। जब आप मिलकर कार्य करेंगे तो वो काम बिना रुकावट के, बिना थकावट के आसानी से वो कार्य संपन्न हो जाएगा। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एकता में कितना बल होता है। सुनी होगी ना कहानी कि एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। एक बार जो है ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और एक लकड़ी दी। सुनी है ना ये कहानी। एक लकड़ी दी और बोला, एक एक लकड़ी जो है एक एक बच्चे को दिया और बोला इसको तोड़ो। तो सारे एक एक बच्चे आए और एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। लेकिन फिर वही चारों लकड़ी को एक बच्चे को दिया गया कि चारों लकड़ी एक साथ तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए। तो जैसे समूह में, हम ग्रुप में मिलकर कार्य करते हैं तो वो काम आसानी से संपन्न हो जाता है, वैसे ही एकता में भी बल होता है, होता है ना। तो आइए सुनते हैं ये साहिर लुधियानवी का ये गीत साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। बच्चों, अगर साथ में मिल करके हम कार्य करेंगे तो वो कार्य जल्दी से और आसानी से पूरा हो जाएगा। जैसे आपने ये चित्र में देखा है, सबसे ऊपर तक जो है वो मिट्टी पहुंचानी है, तो नीचे किस तरह एक के द्वारा दूसरा, दूसरे के द्वारा तीसरा करने के बाद जो है वो काम कितनी आसानी से हो जा रहा है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। अगर हम सब मिलकर के मेहनत से कार्य करें तो समुद्र यानी सागर भी रास्ता छोड़ देगा, यानी सागर में भी हम रास्ता बना सकते हैं अगर मिलकर के मेहनत से हम जो है वो कार्य करें। पर्वत ने शीश झुकाया तो पहाड़ भी जो है, पहाड़ों को भी हम अपने वश में कर सकते हैं, पहाड़ों को भी हम गिरा सकते हैं, पहाड़ों को भी गिराने की ताकत हम में है अगर हम सब मिलकर कार्य करें। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। हमारे सीने जो है वो बहुत फौलाद के बने हुए हैं और हमारी भुजाओं में बहुत ताकत है, बहुत बल है। अगर हम सब मिलकर कार्य करना चाहें तो हम चट्टानों में जो है वो रास्ते बना सकते हैं। जैसे कि पहाड़ों में बहुत रास्ता बनाना कितना कठिन होता है, लेकिन फिर भी हम सारे मनुष्यों ने ही उन पहाड़ों में जो है वो रास्ते बनाए हैं।
मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो हमारे लेख में लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेहनत जो है हमारी किस्मत में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है, फिर मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना है। कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं, कल हम जब गुलाम थे तो हम हिंदुस्तानी जो है वो अंग्रेज़ों के लिए मेहनत करते थे, दूसरे के कार्य करते थे। आज हम आज़ाद हो गए हैं तो आज हमें अपने देश के निर्माण में, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। हमें अपने साथियों का सुख दुख एक समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है। हमारी तो मंजिल जो है वो नेक रास्ते की ओर जा रही है, हमारा रास्ता भी सच की ओर है, हमारी मंजिल भी जो है वो सच्चाई की ओर है, हमारा रास्ता भी भलाई के लिए है। साथी हाथ बढ़ाना, यानी साथी हाथ बढ़ाना, यानी मिलकर कार्य करना, तभी वो कार्य जो है आसानी से जो है व्यवधान रहित होकर के वो कार्य जो है वो संपन्न होगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। से बच्चों आपको पता है कि जब एक एक बूंद जो है पानी का होता है उससे घड़ा बढ़ जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ कभी कहना चाहते हैं कि एक एक बूंद से जो है कतरा जब बनता है, एक एक बूंद का, तो वो नदियाँ बन जाती हैं, दरिया बन जाता है, तालाब बन जाता है। एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सहरा, यानी रेत का एक एक टुकड़ा मिलकर जो है वो विशाल रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले राई बन सकती है पर्वत। अगर पर्वत का यानी पहाड़ का छोटा छोटा टुकड़ा, यानी राई के समान अगर एक छोटा छोटा सा टुकड़ा जो है बड़ा विशाल बनेगा, तो वो एक पर्वत का रूप धारण कर लेगा, एक विशाल पर्वत बन जाएगा। एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत। अगर इंसान एक से एक इंसान अगर ऐसे मिल जाए तो कोई भी काम जो है असंभव नहीं है, हर काम को जो है आसानी से हम संपन्न कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथियों आप लोग जो है मिल करके काम करना है, मिल करके आगे बढ़ना है, हमारी मंजिल तभी जो है वो आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि जो है कहना चाहते हैं कि साथ मिलकर कार्य करने से जो है कार्य कितनी आसानी से संपन्न हो जाता है। तो ये गीत था साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, जो आज़ादी के बाद फिल्म आई थी नया दौर, उसका ये गीत है। तो आशा करते हैं बच्चों ये गीत और इसका भावार्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भी अपने क्लास में, अपने घर में जब भी कोई कार्य करें तो मिलकर करें। जब आप मिलकर करें, एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें कि ये काम आप करें, आप करें, आप करें। आप उस काम को, कोई भी काम हो, घर का छोटे से लेके बड़े तक का जो भी काम है, वो सारे लोग मिलकर करें तो जो है एक अकेला व्यक्ति कभी थकेगा नहीं। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, मिलकर ही काम को करेंगे, और जब मिलकर काम करेंगे तो काम भी आसानी से और कम समय में और अच्छे से, समय से पहले पूरा हो जाएगा ना। धन्यवाद।